अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं तहरा नाज, सॉल्व द मैटर विद नाज। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने कंफर्ट जोन में खुशी से अपना टाइम अपने फैमिलीज के साथ गुजार रहे होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी, सुना है 17 सितंबर तक स्कूल भी खुल जाएंगे तो माओ को भी रिलैक्स मिल जाएगा। और यह है कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में COVID-19 से निकले तो नहीं हैं हम लोग, मगर यह है कि उसको साथ लेते हुए, कंप्रोमाइज़ करते हुए हम साथ साथ चल रहे हैं। जी व्यूअर, तो आज का हमारा मसला ज़्यादातर जो हमसे सवाल किया गया वो ये था कि किसी नेगेटिव पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, तो उसके साथ कैसे, क्या उसके साथ राहें अलहदा कर ली जाएं या कि उसको कैसे साथ लेके चला जाए। तो यहाँ ये है कि हमारे रिश्तों में हम जब दो इंसान हैं या चार हैं या तीन हैं हमारी फैमिली के अंदर, तो हम सब के दिमाग और हमारी सोच एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि चल ही नहीं सकती। बस हम ज़िंदगी में रिश्तों को निभाना जो है ना कंप्रोमाइज़। और सेकंड ये है कि कंप्रोमाइज़ भी क्यों, खुशी से आप एक रिश्ते को ये समझें कि ये रिश्ता है, इसको निभाना है बस, बाकी आपकी अपनी लाइफ है। तो जो नेगेटिव सोच के लोग होते हैं उनकी कभी पॉजिटिव सोच हो नहीं सकती, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने तनकीद बराए तनकीद के ऊपर ज़िंदगी गुजारी हुई हो या ज़िंदगी गुजारनी हो उनको हम बदल नहीं सकते, मगर यह है कि रिश्तों को छोड़ भी नहीं सकते, तो अपने आप को मारना भी नहीं चाहिए। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपने दिमाग में एक बात ये सोच लें, अपने माइंड में बिठा लें कि ये नेगेटिव पर्सन है, इसने जो भी बात करनी है वो करनी है कि जो हमारे दिल को दुखाए, हमें टेंशन दे, तो हम इसकी बात पे कान ना धरें, उसको ना सोचें। उसको सोचने का कोई मकसद भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसने जो भी हमने बात करनी है इसका पॉइंट नेगेटिव ही होगा, जो भी हमने काम करना है इसने उसमें तनकीद ही करनी है, तो जिसको कहते हैं हम लफ्ज़ों में कि कीड़े निकालना। तो आप अपना काम जारी रखें। और यह है कि जो सोचता है मनफी सोच सोचता है उसको उसके हाल पर छोड़ दें, उसको सीधा नहीं हम कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक फितरत होती है, वो इंसान की चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक वो इंसान खुद ना चाहे कि मैं अपने हैबिट को चेंज कर लूँ, उस वक्त तक दूसरा कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तो व्यूअर्स, हमें रिश्तों को भी लेके चलना है, रिश्ते भी नहीं तोड़ने, और हमें अपने आप को भी डिप्रेशन और टेंशन में नहीं डालना। तो इसका मिस्बत हल यही है कि जब कोई गलत बात करे आप आराम से अपनी एक ऐसी प्लेस पे जाएं, कोई अखबार पकड़ें, कोई किताब पकड़ें और उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसकी जो तनकीद है उसको इग्नोर कर दें, यही हल है। और अपने आप को मुतमिन होके जिए, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक बार दी है, ये अगर चले गए इसी तरह टेंशन लेके, और टेंशन से हर बीमारी पैदा होती है, तो बीमार होके हम क्यों मरें, खुशी से मरें। टेंशन हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं, मगर उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। ठीक है, इजाज़त दीजिए तहरा नाज को, सॉल्व द मैटर विद नाज, ओनली ऑन टुडे न्यूज़।